हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट पे सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस सीरीज़ का अगला वीडियो जो कि ऑन ड्राइव के ऊपर है। ऑन ड्राइव पे एक ऐसा ड्राइव है जो कि काफ़ी मुश्किल ड्राइवों में एक है, जो स्ट्रेट ड्राइव की तरह लगभग ऑन ड्राइव भी थोड़ा सा मुश्किल ड्राइव है। सभी ड्राइव्स आना आपको ज़रूरी है। ऑन ड्राइव्स के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे हम कि किस तरह से उसको खेलना है। गाइस पोजिशन बिल्कुल सेम है। ऑन ड्राइव में सबसे इम्पोर्टेंट है बॉल को समझना कौन सी बॉल है, क्योंकि ऑन ड्राइव और जो मिडिल की बॉल आती है स्ट्रेट ड्राइव की और जो फ्लिक शॉट वाली बॉल आती, तीनों बॉल लगभग सेम आती, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है सभी में। तो आपको ये बाद में खेलते खेलते जब आप अंडर आर्म की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ओवर आर्म की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बॉल में मारना है। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि बिल्कुल फुट के सामने होना चाहिए बॉल, तब जाके मारना चाहिए। इसको आप मार ही नहीं सकते ऑन ड्राइव, क्योंकि आपका यहाँ से थोड़ा सा भी ऐसे लाओगे तो पैड लग जाएगा, यहाँ पे हल्का सा पैर में या कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। तो पैरों से थोड़ा सा अंदर की बॉल, जहाँ पे आप खड़े हैं देखिए, लगभग ऐसे खड़े हैं, लेग स्टंप की बॉल थोड़ा सा यहाँ से आनी चाहिए और आपका पैर यहाँ जाना चाहिए, उसके बगल में जाना चाहिए यहाँ से। और बिल्कुल कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पे बॉल पहुँचना चाहिए, तब नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर आपका बॉल पैर को क्रॉस नहीं करना चाहिए, पैर से थोड़ा सा आगे रहना चाहिए बॉल, इतना तब जाके आप ऑन ड्राइव मार पाएंगे इस तरह से। बाकी उसके लिए सेम ड्रिल है, पहले भी बताया था, काफ़ी कम से कम 200-400 पर डे शैडो ड्रिल करिए इस तरह से। बॉडी वेट सेम, जैसे तीनों ड्राइव में बताया, बॉडी वेट एड़ी को ले जाते हुए आगे देखना है, बॉल पर फोकस करना है, बैक लिफ्ट इस तरह से आएगा, सीधा करके बिल्कुल ऐसे करके आएगा, यहाँ से ऐसे करके देखिए, जो ऐसे बताया था पहले कि ऐसे करके आ रहा है, ये नहीं करना है, बिल्कुल सीधा लेके आना है और इस तरह से शैडो ड्रिल करते जाना है पहले कंटिन्यू हर शॉट के ऊपर। अगर ये शैडो ड्रिल करोगे इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, बैट जो आ रहा है ये सीधा आ रहा है नहीं आ रहा है ये देखते जाओगे, यहाँ से एल्बो अप जा रहा है नहीं जा रहा है ये करते रहोगे, बॉडी वेट आगे जा रहा है नहीं जा रहा है ये करते रहोगे। अगर ये नहीं करोगे बहुत ज़्यादा पछताओगे, अभी से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी से शॉट सीखने चक्कर में ये चीज़ ख़राब कर देते हैं। जब आगे जाओगे ना बहुत लंबे समय बाद, फिर मिस्टेक आपको समझ में आएगी, फिर वो सुधारने में 5-6 महीने लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले से आप मजबूत बनो, जड़ से मजबूत बनो, तब जाके आगे काम आएगा। बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं अभी बच्चे, मेरे को पता है, तो ये चीज़ नहीं करनी। फिर उसके बाद अंडर आर्म जो बॉल है, पहले यहाँ पर बॉल रखे, मैं जैसे कल भी बताया था, सेम बॉल रखे, यहाँ पर बॉल रखिए, बॉल रख के सेम ऐसे ऊपर चढ़ना है, ऐसा कई लोग कमर को ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये ऐसे करके मार रही है, ऐसा कमर अगर ऐसा हो गया ना बॉल ऊपर उठेगी, ऐसे करके कमर यही रहेगा आपका, पैर आपका थोड़ा सा झुक सकता है लेकिन इतना नहीं, हो सके तो जितना हो सके या तो टो में आएगा ऐसे पीछे से या तो ऐसे आएगा, बट पैर सीधा रहना चाहिए। अब दूसरे बड़े प्लेयर्स को मैं देखो, कई बार मेरे को बच्चे ये भी दिखाते हैं कि देखो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने तो ड्राइव मारते समय पैर ऐसा नीचे को मोड़ा था, उनको मैं देखो भाई आप सीखने वाले हो, वो सीख चुके हैं, वहाँ इंटरनेशनल लेवल की बात अलग है, आगे चल के आपको बहुत सामने समस्या आएंगी। आपने अभी जो सिखाया जा रहा है वो सिखाना, ये पीछे वाला पैर टाइट रखना है, कमर को ऐसा नहीं करना है, कमर को यही रखना है सीधा, ये देख लीजिए, ये ऐसे अंदर को नहीं धकेलना कमर को, इस तरह से बॉल आती है ऊपर मारना है, ठीक है, ऐसे एंगल से मारना है बॉल को, ऐसे एंगल से, ये ऐसे एंगल से मारते हुए ले जाना है, टॉप एंड टाइट रहेगा और ये जो बॉटम एंड है इसका खाली हल्का सा सपोर्ट रहेगा, ये हर वीडियो में बता रहा हूँ, इस चीज़ को पर ध्यान देना। जो मैंने कोन ड्रिल बताया था वो सिर्फ एक बार बताया था, उसको आपने बहुत ज़्यादा करना है। उसके बाद इस तरह से 5 मीटर दूर से अंडर आर्म ड्रिल करना है, अंडर आर्म काफ़ी ज़्यादा तक आपने करना है और इस तरह से सेम स्पॉट पे बॉल डालना है जहाँ पे ऑन ड्राइव का स्पॉट मैंने बताया था आपको। उसके बाद फुल लेंथ से आप करा सकते हैं लेकिन कुछ समय बाद, जल्दी नहीं करना, ये अभी थोड़ा खेलने लग गया इसलिए मैं इसको फुल लेंथ से करा रहा हूँ, ये अच्छी स्पीड बॉल भी खेल लेता है, बट आपने अंडर आर्म कम से कम 2-3 महीने तक करना है अंडर आर्म। फिर उसके बाद भी धीरे धीरे 2-2 मीटर पीछे जाना है, 5 मीटर के बाद 7 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर ऐसे पीछे पीछे बढ़ते जाना है, वहाँ से बॉलिंग करानी है, उसके बाद आप स्पीड में बॉलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर टेक्निक ख़राब होती रहेगी। फिर आगे इम्प्रूवमेंट ड्रिल इसके बारे में बताते रहेंगे।